बाढ़ग्रस्त फतेहाबाद जिले के 76 के लिए भट्टू मंडी से हलवाई एसोसिएशन ने राहत सामग्री के तौर पर यहाँ खाद्य सामग्री इकट्ठी की है और इसको फतेहाबाद जिले में बाढ़ग्रस्त अक्षत्तर के लिए देने के लिए यहाँ से रवाना हो रहे हैं। यहाँ यह जो दृश्य आप देख रहे हैं देशराज हलवाई की दुकान के आगे लक्ष्मी मिष्ठान भंडार से यह गाड़ी लोड की गई है, वहीं सेठी मिष्ठान भंडार के आगे से भी एक गाड़ी और जाएगी और भट्टू मंडी के हलवाई एसोसिएशन के सभी सदस्य बधाई के पात्र हैं जिन्होंने इस बात को बखूबी समझा है। वे खुद मौके पर जाकर देख के आए थे। प्रधान बंसीलाल भी इस यूनियन के प्रधान हैं और उन्होंने भी पूरा सहयोग किया है। यहाँ भट्टू मंडी से यह राहत जो सामग्री है यहाँ से बिस्किट लेकर जो भट्टुकला से गए ये लोग, इन्होंने यहाँ मनरेगा के तहत कार्य कर रहे लोगों को यहाँ बिस्किट वितरित किए ताकि इन लोगों को यहाँ ज़रूरतमंद जो भी आवश्यकता है वह पूरी की जा सके। यहाँ ये मजदूर जो है यहाँ बांध लगाकर रतिया चुंगी के पास जो नेशनल हाईवे है यहाँ पर इस पानी को रोकने का कार्य कर रहे हैं ताकि यहाँ पर किसी तरह की कोई लीकेज ना हो और इस बांध को मजबूती प्रदान की जा सके। इस कार्य में लगे सभी मजदूरों को यहाँ बिस्किट वितरित किए गए। वहीं यहाँ पर समाज सेवा के रूप में फतेहाबाद से भी कुछ लोग जो हैं चाय पानी की सेवा दे रहे हैं और यहाँ इन लोगों को पूरी सेवाएं दी जा रही हैं ताकि ये अपने कार्य में निरंतर अपना काम जारी रख सकें। फतेहाबाद ज़िले में जिस तरह से ये बाढ़ के हालात हो गए हैं यहाँ पर ये नेशनल हाईवे पर यहाँ कट्टे लगाकर बांध बनाया गया है, मिट्टी डाली जा रही है और बाढ़ का पानी है जो लगातार उनका प्रभाव और अधिक बढ़ता जा रहा है और यहाँ का जो पानी है सिरसा की ओर जा रहा है। नेशनल हाईवे पर बांध लगाकर इस पानी को रोका गया है। फतेहाबाद से मात्र कुछ ही दूरी पर पानी आ पहुँचा है जिसके चलते यहाँ खतरा बना हुआ है। जिला प्रशासन द्वारा की गई व्यवस्था को देखते हुए यह नज़ारा आप देख रहे होंगे कि फतेहाबाद में जिला प्रशासन ने किस तरह की व्यवस्था की है ताकि लोगों को किसी तरह की कोई दिक्कत का सामना न करना पड़े। वहीं यह आप जो दृश्य देख रहे हैं यह रेड क्रॉस सोसाइटी के पास यहाँ जो है स्कूल के अंदर राहत सामग्री आने के बाद उनके लिए खाने का जो व्यवस्था है वो तैयार की जाती है और यहाँ पर यह राहत सामग्री जो है खाद्य सामग्री के रूप में यहाँ पहुँची है और इसको स्टोर रूम में रखा जा रहा है। इस कार्य में लगातार सेवा दे रहे हैं भट्टुकला क्षेत्र के लोग। भट्टुकला क्षेत्र से हलवाई एसोसिएशन द्वारा किए गए कार्य की जितनी सराहना की जाए वह कम है। अब देखिए पूरी रिपोर्ट। इस वक्त हम हैं यहाँ फतेहाबाद में रेड क्रॉस सोसाइटी के कार्यालय के पास। ठाकर बस्ती में प्राइमरी स्कूल है जहाँ राहत कैंप के लिए खाने की जो व्यवस्था है वो तैयार की जाती है और यहाँ पर जिस संस्था द्वारा यह कार्य युद्ध स्तर पर चलाया जा रहा है उसमें खुशी एक उम्मीद और सहारा एक उम्मीद के सदस्य भी हमारे साथ हैं। आज भट्टू मंडी से हलवाई एसोसिएशन ने राहत सामग्री यहाँ पहुँचाई है और खुशी एक उम्मीद के चेयरमैन गोपाल बंसल जी हमारे साथ हैं। हम आपको यह चीज दिखाने का मकसद यह है कि कुछ लोग राहत सामग्री तो पहुँचाना चाहते हैं मगर वो पहुँचाए कैसे, लोगों तक यह राहत सामग्री सही मायने में पहुंचे, क्योंकि कई कई लोगों की इच्छा भी अपने हाथ से भी देना चाहते हैं तो उसके लिए भी यहाँ की संस्था पूरी तरह से उनको मार्गदर्शन करेगी और यहाँ की संस्था द्वारा जो सामग्री लोगों तक पहुँचाई जा रही है उसके लिए हम आपको बता दें कि यह सामग्री जो क्योंकि जहाँ बाढ़ग्रस्त एरिया है वहाँ पानी अधिक आ गया और वहाँ नाव के माध्यम से पहुँचाई जा रही है। यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ खाना तैयार हो रहा है, यहाँ खाना तैयार होकर पूरा यहाँ से पैकिंग होकर के खाना जा रहा है और भट्टू मंडी से देशराज हलवाई हमारे साथ है, सेठी जी हैं, यहाँ हलवाई एसोसिएशन के जो सदस्य ये हैं और यहाँ हमारे साथ राकेश पूर्व सरपंच गांव जाने वाला बागड़ से हैं, ये मोहसिन जी है, कस्मा जी है। मोहसिन जी क्या कहना चाहेंगे आप? सर जो ये मुहिम हमने चलाई है लोगों की बहुत बुरी हालात है, उस हालात को सुधारने के लिए कुछ लोग आगे आए हैं उनका हम तहे दिल से आभार व्यक्त करते हैं। दूसरी बात ये है कि कोई व्यक्ति अगर ये सोचता है अभी मैं सीधा जाके वहाँ खाना खिलाऊं या ऐसा करूं तो वैसा नहीं, संभव नहीं है। वहाँ पानी काफ़ी ज़्यादा है, प्रशासन किसी को जाने नहीं दे रहा है। तो हमारी यही रिक्वेस्ट है रेड क्रॉस के द्वारा हमसे जुड़े, रेड क्रॉस प्रशासन से जुड़ा हुआ है, उसके साथ हम प्रशासन को भेजते हैं, प्रशासन हमारा बंदा लेके जाता है और आगे बंदे के पास खाना पहुँचता है। जो लोग पैसा भेज रहे हैं राशन भेज रहे हैं उनके लिए एक मैसेज है वो यहाँ पहुँचे हमारे साथ जुड़े और हमारे साथ लगकर साफ जाकर खिला के आए। हम पब्लिक से यही रिक्वेस्ट करेंगे कि लोगों का काफ़ी बुरा हाल है,
जितना ज्यादा उसके उतना सहयोग करें इस संस्था को, इस संस्था से जुड़े। धन्यवाद। तो ये इन्होंने पूरी अच्छी जानकारी दी। आगे हम आपको बताते हैं क्योंकि जो गाँव में पहुंचाया जा रहा है उसमें आर्मी के लोग भी इनके साथ जुड़े हैं, प्रशासनिक मदद के साथ ये सामग्री पहुंचाई जा रही है, प्रशासन की देख रेख में सब कार्य चल रहा है। तो गोपाल बंसल जी जो खुशिया उम्मीद के चेयरमैन भी हैं, गोपाल जी क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले धन्यवाद करूंगा हमारे भट्टू मंडी और फतेहाबाद वासियों का, जिन्होंने इस आपदा की घड़ी में जो प्राकृतिक आपदा आई है इसमें हमारे जो भाई बंधु जिन गाँवों में फंसे हुए हैं उनकी सेवा के लिए पूरी तरह से ये खड़े हुए हैं, जिसमें सहारा एक उम्मीद, जिला रेड क्रॉस सोसाइटी, जेआरसी क्लब, फतेहाबाद के मेरे युवा साथी यहाँ पे और सभी लोग यहाँ पर निरंतर पहुंच रहे हैं। आज दांगड़ से भी हमारे पास एक दो क्लब पहुंचे हैं, तो सभी का हम बहुत बहुत धन्यवाद कर रहे हैं। डिंगसरा की टीम है वो भी हमारे पास आज पहुंची है, और इन सभी से मेरा यही निवेदन है कि आप लोग आइएगा, आप लोग सव्यम हमारे साथ जुड़िएगा और जाकर पहुंचिए उन लोगों तक जहां उनकी जरूरत है। अब हालात वास्तव में बहुत ज्यादा, जो लोग पानी में दो तीन दिन से फंसे हुए हैं उनके हालात खराब है, तो आप लोग इस मुहिम के अंदर पहुंचिए और आपकी तन की मन की जो भी सेवा आप देना चाहते हो आप इससे जुड़िएगा, और यहाँ पे जिला प्रशासन, जिला रेड क्रॉस सोसाइटी पूरी तरह से लोगों की सेवा के लिए तैयार है। और इस चैनल के माध्यम से मैं सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप ज्यादा से ज्यादा हमारे नंबर प्रोवाइड कराएं। फतेहाबाद के अंदर जिला रेड क्रॉस ऑफिस के अंदर ये भोजन 24 घंटे, न केवल दिन में, ये रात्रि को भी भोजन सेवा शुरू रहेगी। आप केवल हमें मैसेज कीजिए, 15 से 20 मिनट तक जहां तक संभव होगा हम जल्दी से जल्दी आपको प्रयास करेंगे कि आपको भोजन, पानी, सूखा राशन जैसे बिस्कुट, मटर इत्यादि हमारे बहुत से साथी हमें सेवा दे रहे हैं और वो आप तक पहुंचाने का पूरा पूरा प्रयास हमारा रहेगा। और जो मेरे साथी इसमें सहयोग कर रहे हैं ये सभी का सामूहिक कार्य है और ये सेवा का बहुत बड़ा इस आपदा के अंदर हमें अवसर मिला है, और सभी से कहते हैं कि नर सेवा नारायण सेवा है, तो आइएगा इस मुहिम में जुड़िएगा। आज हलवाई यूनियन भट्टू से हमारे साथ आई है, इनका तहे दिल से धन्यवाद है, और हमारे साथ श्री श्याम संकीर्तन मंडल भट्टू मंडी से आया है। इसके अलावा बहुत सी संस्थाएं हमारे साथ जुड़ी हुई है जो आ नहीं सकते लेकिन हमें सहयोग भेज रहे हैं, उन सभी का हम आभार व्यक्त करते हैं। जीआरसी से हमारे कृष्ण जी है जो अध्यापक होने के साथ साथ अपनी ड्यूटियों के बाद में लगातार जाना वहां जा रहे हैं और लगातार सभी को भोजन पहुंचा रहे हैं। मेरी आप सोचे एक विनती है कि आप जहां पानी है खाली पानी देखने के लिए मत जाइएगा, कहीं भी ये रिस्की हो सकता है, क्योंकि जितने पानी के जीव है खास करके सांप इत्यादि ये सभी इस समय सड़क के किनारे घास पे अपनी जान बचा रहे हैं और इनसे आपको हादसा होने का भय रहता है। तो मेरा सभी से ये निवेदन है कि कृपया सुरक्षित रहिए और सेफ रहिए और औरों की सहायता के लिए आगे आइए। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। ये थी पूरी जानकारी। आपको यह जानकारी कैसे लगी इसे अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि हर व्यक्ति तक यह सूचना पहुंच सके। धन्यवाद।